रही बात दोनों टीमों की, तो शानदार है बैटिंग लाइनअप, शानदार दोनों टीमों का है जिसका दिन होगा। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के शेर जो है वो अक्सर कागजों तक शेर रहते हैं। दिल्ली वालों से रिएक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली के शेर कागज पर कहीं ना कहीं इस बार कागजों की बात नहीं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया 2019 में हम प्लेऑफ तक गए थे और जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग और मोहम्मद कैफ ने जो मेहनत की है टीम पर और जो युवा बल्लेबाज हैं और जो सबसे ज्यादा जो भारतीय बल्लेबाज और जो भारतीय खिलाड़ी नजर आ रहे जो फॉर्मेशन है देखिए जहां पर ये मैच पंजाब चालू हो चुका है तो ये आगे भी जारी रहेगा। स्क्रीन पे हम वैसे भी दिखा ही रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल है, हम दोनों इस वक्त गौरव और मैं, साथ ही करुणा पल्लवी आपके साथ है, विशाल स्टूडियो से विशाल कवरेज, शुभंकर और सरगम भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखा, एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो आपको तमाम आंकड़े दोनों ही टीमों को लेकर सामने रख देगी। आज मुकाबला दो भूखे शेरों में है, किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली कैपिटल्स। तमाम नामी गिरामी खिलाड़ियों के बावजूद दोनों टीमें अब तक खिताब का इंतजार कर रही हैं। आज दुबई में दिल्ली का यंगिस्तान दहाड़ेगा या पंजाब जीत के झंडे गाड़ेगा। बाजी चाहे जो भी मारे लेकिन इतना तय है कि आज छप्पर फाड़ के रन बरसेंगे, क्योंकि मैदान में एक्सप्लोसिव पंत और एक्सक्लूसिव गब्बर उतरेंगे। दिल्ली की टीम पर इस बार है सभी की निगाहें। टीम में कमाल का संतुलन है, पिचे मनमुआफिक है, बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज हैं। कमी है तो बस इतनी कि खिताब जीतने का तजुर्बा टीम के पास नहीं है। पिछले तीन सीजन का टीम का रिकॉर्ड देख लीजिए। 2019 में तीसरे पायदान पर थी टीम, 2018 में आखिरी पायदान पर थी टीम, 2017 में छठे पायदान पर थी टीम। पंजाब की टीम में भी आग है, टीम में कैरेबियन खिलाड़ियों का सॉलिड तड़का है, कप्तान केएल राहुल कॉन्फिडेंट है, स्पिनर मुजीबुर रहमान का करिश्मा है। हाँ, तेज गेंदबाजी में विकल्प सीमित नजर आते हैं। पिछले तीन साल में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 2019 में छठे पायदान पर थी टीम, 2018 में सातवें पायदान पर थी टीम, 2017 में पांचवें पायदान पर थी टीम। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए रेगिस्तान में महासंग्राम। तो किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। रीमा, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे, क्योंकि आप सपोर्ट दिल्ली को कर रही हैं, जल्दी से दिल्ली की टीम का शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है और जो टॉप फोर हैं वो कोर हैं। मेरे हिसाब से अगर पहले फ्रेश पिच में बैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं 170 तक ये टीम जा सकती है, क्योंकि इनके पास फिनिशर्स अच्छे हैं। थोड़ा वीकनेस मैं कहूँगी पेस अटैक, अगर संभल के गेंदबाजी करेगा तो स्पिनर्स को आगे बढ़ के और चौड़े होकर गेंदबाजी कर सकते हैं। ये हमारे स्पिनर की खासियत होती है कि अगर शुरुआत अच्छी दे देंगे तो स्पिनर चढ़ के बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बैटिंग है तो ध्यान यही होना चाहिए कि आप पावर प्ले का यूज़ करिए। पावर प्ले में अगर आप चढ़ के खेलेंगे तो कहीं ना कहीं जो दबदबा है वो दिल्ली का रहेगा और पंजाब एक बार फिर नीचे नजर आएगा, क्योंकि पंजाब प्रॉमिस जरूर करता है, लेकिन एक कहावत है, प्रॉमिसेज आर मेंट टू बी ब्रोकन।